जय मसीह की। क्रिएटिव माइंड 79 चैनल में आपका स्वागत है गाइस। आज मैं आपको बताऊंगी एनटीटी पीटीटी कोर्स के अंदर लेसन प्लान करके एक कॉपी बनती है जो टीचर के हेल्प के लिए होती है। ये मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। और फिर से यही बात कि इसमें भी सारी क्रिएटिविटी स्टूडेंट्स की होती है, उससे ही करना होता है, क्योंकि इस कोर्स के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं कि आप आर्टिफिशियल करें। सब कुछ क्या है, आपको अपने आप से करना होता है। ये टेपिंग किया और ये मैंने अंदर से एक मीटर लगाया और इसके ऊपर ये लेसन प्लान लिखना होता है। लेसन प्लान की कॉपी इसलिए बोला जाता है कि टीचर जब क्लास में जाएगी तो उसको पता होगा, वो पहले से प्रिपेयर होगी कि भी आज उसे क्या पढ़ाना है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये फर्स्ट पेज है, ये फर्स्ट पेज है और इसका टाइम टेबल ऐसे है। मैथमेटिक्स हमें स्टार्टिंग करनी है नंबर से, प्राइम नंबर से, टेबल ऑफ 11। इंग्लिश में करना है राइटिंग ऑफ 3 वर्ड्स, द लायन ऑफ द माउस, ए टू जेड। ईवीएस में करना है फेस्टिवल ऑफ इंडिया, टाइप्स ऑफ माउस, थर्ड है फूड और हिंदी में है 2 अक्षरों वाले शब्द। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स को लेना होता है और ये पूरा हमें पूरा प्लान जो है साल भर का होता है। साल भर के अंदर हमें ये सारा कंप्लीट करना होता है। ये रजिस्टर में काफ़ी कुछ है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबी ना होते हुए मैं आपको मोटा मोटा समझाऊंगी। बस इतना हम समझ लें कि ये जो कॉपी है, ये जो पूरी की ये कॉपी के अंदर जो कुछ भी है, ये सब सिर्फ टीचर की हेल्प के लिए बनता है। टीचर की हेल्प के लिए बनता है ताकि वो स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। सब इसके अंदर पहले से लिखा हुआ आता है कि कैसे हमने किस किस मटेरियल के साथ और क्या क्या बच्चे को पढ़ाना है। शायद सब टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, फिल द ब्लैंक्स होते हैं और राइम्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर होता है, ताकि टीचर को दिक्कत ना हो बच्चे को पढ़ाने के लिए। टीचिंग एड्स में क्या क्या होता है, चाक होता है, डस्टर होता है, पॉइंटर एंड चार्ट, ये सब इसके अंदर मेंशन है। इस तरीके से कि आप पास से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस रजिस्टर के अंदर सब लिखा, नोट डाउन कराया जाता है, सब लिखा जाता है, सारी चीजें इसके अंदर है। सब चीजों का रजिस्टर बनता है कोर्स के अंदर, ताकि कोई भी चीज टीचर बोलेगा ये सब लिखा हुआ है। फूड फ्रॉम प्लांट, फूड फ्रॉम एनिमल, स्पेसिफिक एम्स, सब इसके अंदर होता है और सभी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चों से हमें क्या पूछना है, क्या पढ़ाना है, क्या उनसे ओरल में कराना है और उनको होमवर्क में क्या देना है, क्लास वर्क में क्या कराना है और ब्लैक बोर्ड पर क्या कराना है, सब चीज़ें इसके अंदर होती है। ये टीचर के लिए निर्देश होते हैं। टीचर जब ये रजिस्टर कंप्लीट हो जाता है, ये कॉपी कंप्लीट हो जाती है, तो बाद में टीचर के लिए ये सब होता है। ये टीचर लिखा है पाठ योजना 10, ये सब आपको दिख ही रहा है क्या क्या लिखा हुआ है। और यहाँ पे लिखा है सामान्य निर्देश, विद्यार्थियों के समक्ष पाठ का ऐसा सुंदर व अनूठा चित्रण किया जाए जिससे कि वह स्वयं ही उसके भाव की समझ भाव को समझ सके। विद्यार्थियों के अंतर्गत ऐसी भावनाओं को उत्पन्न किया जाए जिससे कि वह पाठ के अंतर्गत प्रयुक्त शब्दों को समझ सके। इस तरीके से मतलब उनको बच्चों को एक इतने प्यार से स्नेह के साथ और उनको ऐसे गाइड करना है जैसे एक माँ अपने बच्चे को गाइड करती है, इस तरीके से उस बच्चे को पढ़ाना होता है और उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाकर बच्चे को एजुकेशन देनी होती है। ये सब इसके अंदर पहले से लिखा होता है। जैसे कोई भी ट्रेनिंग की जाती है, तो जैसे डॉक्टर की कोई ट्रेनिंग होती है तो डॉक्टर को शपथ दिलाई जाती है। इसी तरीके से टीचर को भी जब ट्रेनिंग होती है तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो उसने वादे किए हैं उसको पूरा करना होता है। इसलिए बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को तो बहुत अच्छे से प्यार के साथ उनको पढ़ाया जाता है। इस तरीके से ये क्या पूरा का पूरा कॉपी बनती है, जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, लेसन प्लान, जिसको बोलते हैं लेसन। इस तरीके से ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, इतनी अच्छी सी सारी चीज़ें लिखी गई हैं।
इतना साफ तरीके से लिखा गया है ताकि ये कॉफी जो है लॉन्ग टाइम साथ रहती है और उसको देखकर अच्छे से सारी चीजों को समझा जा सकता है। और इसलिए ये इस कॉफी का नाम क्या है, लेसन प्लान होता है कि भाई लेसन प्लान से ही पता चल रहा है कि इस कॉपी का नाम लेसन प्लान इसलिए है क्योंकि पहले से टीचर प्रिपेयर होती है कि उसको बच्चों को क्या पढ़ाना है। तो गाइस आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ये नॉलेज कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।